बॉलीवुड का जाना माना नाम है टाइगर श्रॉफ। उनका डांस, उनकी एक्टिंग, उनकी बॉडी, इनके फैंस इनकी हर अदा के दीवाने हैं। लेकिन सिनेमा जॉकीज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक समय ऐसा भी था जब टाइगर श्रॉफ अंदर से टूट चुके थे। उनके घर का फर्नीचर बिकने लगा था। टाइगर के परिवार पर बुरी मुसीबत आ गई थी। सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था, फर्श पर सोना पड़ा था। लेकिन अगर अभी तक आपने सिनेमा टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीवुड की खबरें जानने के लिए सिनेमा टॉकीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये बात है साल 2003 की। उस समय टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ फिल्में बना रहे थे और उन्होंने साल 2003 में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म बूम बनाई थी। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और रिलीज से पहले लीक हो गई थी। इसी फिल्म के बाद टाइगर के परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टाइगर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें याद है कि कैसे एक के बाद एक उनका सारा फर्नीचर घर का बिक चुका था। जिन चीजों को देखकर वो बड़े हुए थे वो घर से गायब हो चुकी थी। लेकिन वो टूटे जब उनका बेड भी घर से चला गया, जिसके बाद उन्होंने जमीन पर सोना शुरू करा। टाइगर बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। जब टाइगर के परिवार ने ये सब देखा, उस वक्त टाइगर सिर्फ 11 साल के ही थे। खैर, वक्त के बाद सब कुछ बदल गया और आज टाइगर सुपरस्टार बन गए हैं और एक के बाद एक हिट फिल्म दे रहे हैं। लेकिन आज भी टाइगर जब अपने उस वक्त को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उनका दर्द उनकी आंखों में आ जाता है। सिनेमा टॉकीज पर ऐसी ही खबरें हम आपको देते रहेंगे। बॉलीवुड के ऐसे ही किस्से जानने के लिए सिनेमा टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।